और एक बात और भाई, ये जो गाड़ियां हैं ना, ये जो गाड़ियां दिख रही हैं, जैसे मेरे पास भी चलो 3 गाड़ियां 4 गाड़ी हैं, एक बेच दी, तो ये गाड़ियां भाई एसेट्स नहीं है। मतलब ठीक है, बैलेंस शीट में एसेट्स की तरफ आती हैं, बट ये लायबिलिटी है भाई। इनकी सर्विस कॉस्ट, इसकी वैल्यू जो डेप्रिशिएट होगी, मतलब ये आपके लिए खर्चा है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई बहुत बड़ा एसेट बना दिया, बहुत बड़ा कोई तीर मार लिया, ये खर्चे ही हैं भाई। जितने ज़्यादा चीज़ें रखोगे, जितने ज़्यादा हैं, उतने ज़्यादा खर्चे हैं। मतलब मैं तो खुद उसको झेल रहा हूँ। हाँ, मेरा कोई यूट्यूब से पैसा नहीं आ रहा भाई, मैंने तो अपने बिजनेस से जो कमाया है उस पैसे के हिसाब से मैंने जो जो चीज़ें ली हैं, बट हाँ ये सब खर्चे हैं, तो इसको एसेट समझने की गलती ना करें भाई। ये वो काम है भाई जिसके लिए भोपाल गया था। ये बिल देखो कौन सी तारीख का है, ये 21 जनवरी 2022 का बिल है, और चेक मिला है अपने को 22/6/2023 में, 1.5 साल के बाद। भाई सौरभ जोशी की पॉपुलैरिटी देखो, हमारे घर में भी चल रहा है सौरभ जोशी, पड़ोसियों के घर से भी भाई सौरभ जोशी के ब्लॉग्स की आवाज आ रही थी। सो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। भाई जस्ट पहुंचा हूं भोपाल से, अभी नहाया धोया, फटाफट तैयार हुआ और गाड़ी की सर्विस के लिए निकल रहा हूँ। तो गाड़ी की सर्विस वाले सीरीज को भाई कंटिन्यू करते हैं, और आज इसूजू को लेकर जा रहा हूँ सर्विस के लिए। हालत देखो क्या हो रखी है, संडे लास्ट संडे, मतलब 10-12 दिन हो गए वापस आए हुए, वैसे की वैसी है, क्योंकि जो सफाई करने वाले भैया आते हैं उनसे हो नहीं पाएगी, इसलिए मैंने कहा अभी इसको छेड़ो ही मत, सर्विस में पूरी क्लीन कराऊंगा। भाई भोपाल में जहाँ चेक लेने गया था ना, वहाँ क्या उन्होंने कोने कोने पे मंदिर बना रखा है। मतलब ऑफिस में हर ऑफिस वाले ने, अकाउंट्स वाले ने अपना, रिसेप्शन वाले ने अपना, सब ने अपने अपने ऑफिस वो बना रखे थे मंदिर, है ना, भगवान की फोटो लगा रखी थी, पूजा पाठ, और सबकी कॉलर ट्यून्स जितने थे ना, सबकी कॉलर ट्यून्स में, मतलब आप लगा लो भगवान के गाने या भगवान के गानों की कोई टोन ये लगी हुई थी भाई। और साढ़े कमीने इतने, मतलब आप ये सोचो 1.5 साल, मतलब चेक बना दिया था उसने पहले 2022 में चेक बना दिया था, लेकिन भेजा इसलिए नहीं कि कोई आएगा रिश्वत देगा फिर वो देके तब चेक लेकर जाएगा। तो भाई दोबारा चेक बनाया, वो तो पहुंच गया, पहुंच के उनकी छाती में बैठ गया तो भाई मिल गया, नहीं तो ये तो ऐसे सालों साल लटका रहता। कोई इलाज नहीं है भाई इन रिश्वतखोर लोगों का, ये सब सरकारी तंत्र का कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज यही है कि भाई जो अपने से तो नहीं हो रहा, तो अपन उसको धीरे धीरे कम कर रहे हैं। फिलहाल भाई जा रहे हैं इसूजू की सर्विस सेंटर, आज देखते हैं क्या ही बिल, सेकंड सर्विस है 10,000 किलोमीटर वाली, कितना बिल आएगा और क्या क्या काम होगा। गाड़ी की हालत तो ख़राब हो रखी है, मतलब बिल्कुल गंदी, अंदर से बाहर से पूरी गंदी पड़ी है। और अभी रेलवे स्टेशन से यहीं से गया हूँ, जिस रोड से अभी जा रहा हूँ ना, यहीं से गया हूँ, बट ठीक है, घर जाके नहा धो के नाश्ता करके गाड़ी उठाई और चल दिए वापस से काम पर। भाई 12 बजे की कमिटमेंट थी, 12 बजने में 5 मिनट पहले पहुंच गए हैं इसूजू सर्विस सेंटर। कांच गंदा है इसलिए सामने का थोड़ा सा गंदा नज़र आ रहा होगा। भाई वो जो टोल वाले शक भरी निगाहों से देखते हैं ना, वो सही देखते हैं, मतलब सारी कॉमर्शियल गाड़ियां, प्राइवेट गाड़ी है ही कितनी, मतलब वो सामने से देख के ठीक है नंबर प्लेट वाइट है इसलिए चल जाता है, अदरवाइज तो सही रोकता है कि भाई कॉमर्शियल गाड़ी तो नहीं आ रही है। भाई 10,000 की सर्विस में चेंज होएगा एक अपना गियर ऑयल, दोनों डिफरेंशियल के ऑयल, आगे और पीछे के डिफरेंशियल के ऑयल, ये तीनों चेंज करती है कंपनी, ताकि कहीं पे भी कोई एमरी या कुछ रह गया हो तो वो क्लियर हो जाए। ये जो भाई ग्रीसिंग पॉइंट है ना, ये ग्रीसिंग पॉइंट जैसे इस वाली 4x4 में, अपनी जिप्सी में, ये देसी जितनी गाड़ियाँ होती हैं ना उनमें सब ये ग्रीसिंग व्रीसिंग सब करानी पड़ती है। वॉल्वो में ये सब ड्रामा नहीं है, लेकिन खैर वो इतनी रफ एंड टफ भी नहीं है भाई। ये है भाई तेल डालने का तरीका, सूपी में डालते जाओ, हैंडल घुमाए जाओ और तेल पाइप से चला जाएगा ऊपर डिफरेंशियल में। ये भाई एसी का फिल्टर क्लीन करने के लिए खोला हुआ है, एसी का फिल्टर क्लीन कर दिया और एयर फिल्टर क्लीन कर दिया, एयर फिल्टर क्लीन करके लगा देंगे अभी, तो खैर इसको चेंज कराएंगे नहीं, ठीक है एक बार और चल जाएगा, अगली बार चेंज करा देंगे। सबसे पहले भाई 1916 में टोक्यो इश्वी काजिमा शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग कंपनी ने प्लान किया एक कंपनी के साथ मिलकर टोक्यो गैस के साथ ऑटोमोबाइल बनाने का। फिर 1922 में फर्स्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन स्टार्ट किया इन्होंने A9 मॉडल का। फिर 1928 में इन्होंने सुमिदा CL मॉडल ये बनाया। 1934 जुलाई में ट्रक बनाया मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के नाम से, जिसका नाम इन्होंने इसूजू रखा। तो फर्स्ट टाइम 1934 में इसूजू नाम रखा था। फिर 1936 में इन्होंने फर्स्ट एयर कूल डीजल इंजन बनाए DA6 एंड DA4। फिर 1937 अप्रैल में इन्होंने टोक्यो ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज द प्रेडिस ऑफ इसूजू मोटर्स लिमिटेड, ओके यहाँ पे इन्होंने कंपनी स्टार्ट करी। फिर 1959 अगस्त में इन्होंने 2 टन प्ले लोड का एक ट्रक बनाया। 1961 में इन्होंने 1.75 टन का एक कॉम्पैक्ट ट्रक बनाया।
1963 में इन्होंने कॉम्पैक्ट ट्रक बनाया, KR कॉम्पैक्ट ट्रक। फिर 1972 में इन्होंने 1 टन पेलोड कॉम्पैक्ट ट्रक फास्टर विगन्स एक्सपोर्टिंग के US में एक्सपोर्ट स्टार्ट किया इन्होंने। 1979 मई में 1 टन फोर व्हील ड्राइव फर्स्ट ट्रक बनाया इन्होंने, ये मॉडल था। और उसके बाद उसकी थोड़ी सी शक्ल चेंज होने लगी, गाड़ियों का रूप लेने लगी भाई। 1981 अगस्त में इन्होंने रोडियो पिकॉन बनाया, फोर व्हील ड्राइव कॉम्पैक्ट। फिर 1989 में बनाया, ये इनकी पूरी जर्नी है भाई, करते 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 और हम आ गए इस मॉडल के ऊपर। तो भाई गाड़ी सर्विस होकर मिल गई है फाइनली अपने को 4:45 बजे। भाई बढ़िया है, मतलब इसुजु का सब बढ़िया है, रीज़नेबल भी है, सर्विस कॉस्ट भी रीज़नेबल है और बाकी सब, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्विस के लिए गाड़ियों की मारामारी होती नहीं है। तो जैसे सेम डे का अपॉइंटमेंट मिल गया तो आज मुझे कराना था, आज ही आके करा लिया। बहुत सारे फ़ायदे हैं गाड़ी का, मतलब ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो भी ठीक है, जो मेरा पर्पज़ था वो भी सॉल्व करती है, कहीं पर कोई इशू नहीं है, हर तरह से ठीक है। थोड़ी सी ओवर प्राइज्ड है, उसके लिए तो अपन खैर कह ही नहीं सकते क्योंकि गवर्नमेंट टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं इसके ऊपर। और इस हिसाब से देखा जाए तो भाई हाइलक्स कैसे बिकेगी इंडिया में पता नहीं, जब इसुजु को ही बिकने में इतनी दिक्कत आ रही है तो हाइलक्स कैसे बिकेगी। इसुजु खैर गवर्नमेंट सप्लाईज में चली जाएंगी, अभी जैसे हिंदुस्तान जिंक में दे दी इन्होंने बहुत सारी गाड़ियाँ, आर्मी के लिए ट्राई कर रहे हैं, उन सब में चल जाएगी, बट एंड यूज़र के लिए थोड़ा सा मतलब बेचने में इनको दिक्कत आ रही है। तो भाई निकलते हैं घर के तरफ, लंच भी नहीं किया, घर जाके लंच करेंगे, फिर देखते हैं आगे का क्या शेड्यूल रहता है। भाई एक बात है भाई, इसुजु सर्विस सेंटर में जैसे इनको कोई भी कंप्लेंट करो ना, जैसे मैंने पिछली बार कंप्लेंट करी कि गाड़ी लेफ्ट में भागती है, अभी भी भागती है लेफ्ट में, बोलते हैं तो सारी गाड़ियां भागती हैं, ठीक है भाई कोई बात नहीं कहीं और दिखा लेंगे। फिर इस बार मैंने कंप्लेंट करी कि भाई इसमें क्या दिक्कत है कि जब अपन ब्रेक मारते हैं ना तो जो अगर इमरजेंसी में ब्रेक मारते हैं तो इसका जो पैडल है ना वो ऐसे करके कई बार बैक मारता है, ये मेरे साथ लद्दाख वाले में हुआ था। तो मैंने बोला कि ये ऐसे करता है, बोले सर सारी गाड़ियाँ करती हैं, मतलब कोई भी कंप्लेंट कर दो जो थोड़ी सी यूनिक सी कंप्लेंट हो, बोलते हैं तो सारी गाड़ियाँ करती हैं, ये तो करती हैं, आप कोई सी भी चला के देख लो। भाई मैं इसुजु की बात नहीं कर रहा, बट बाकी गाड़ियाँ नहीं करती ना, मैं बात कर रहा हूँ सब गाड़ियों के हिसाब से, जो मेरे पास और कोई गाड़ी है, इको स्पोर्ट में प्रॉब्लम कभी नहीं आई, वॉल्वो में कभी नहीं आई, कर वॉल्वो तो बहुत हाई एंड हो गई, बट और भी नॉर्मल गाड़ियों में ऐसे कभी मैंने महसूस नहीं किया जैसे इसमें महसूस किया है। अगर आप इमरजेंसी ब्रेक मार रहे हो तो एकदम ऐसे कट 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 लीवर वापस आता है, तो बोले ये तो होता ही है, ठीक है भाई कोई बात नहीं ऐसे ही चलाएंगे। हाँ भाई सर्विस कॉस्ट के ऊपर आते हैं, सर्विस कॉस्ट सेकंड सर्विस 10,000 किलोमीटर की, मेरी तो खैर 12 चल गई, लद्दाख चला गया था, 10,000 किलोमीटर वाली सर्विस का जो खर्चा है वो आता है 7,810 रुपये अगर आपने एडिशनल कुछ भी नहीं कराया है तो। इसमें आपका फ्रंट का डिफरेंशियल ऑयल आ गया 1.2 लीटर, पीछे का डिफरेंशियल ऑयल आ गया 2.8 लीटर और आपका गेयरबॉक्स का ऑयल आ गया 2.8 लीटर, बाकी सर्विस चार्ज मिला के 7,810 रुपये आपके चार्जेस आते हैं। बाकी कॉस्मेटिक्स कुछ और कराओगे उसके चार्जेस बढ़ जाएंगे, रीजनेबल सर्विस है। हालांकि मेरे हिसाब से 10,000 रुपये ये सब ऑयल्स बदलने की ज़रूरत नहीं थी, या तो कंपनी को खुद पे भरोसा नहीं है पता नहीं क्यों, बाकी 10,000 रुपये बदलने की ज़रूरत नहीं, सीधा 40 पे बदलते, कुछ नहीं बिगड़ता भाई, कोई एमरी वैमरी कुछ नहीं आती है, और ठीक है कंपनी ने पॉलिसी बना रखी है तो वो फॉलो करनी पड़ती है, बट रीजनेबल सर्विस है। अगली जो सर्विस है 20,000 किलोमीटर वाली, वो मेजर सर्विस है, उस पर आएगा खर्चा। एक तो भाई आजकल जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, जितने अपने यूट्यूबर्स हैं, वो लोगों को किस चीज़ के लिए गाइड कर रहे हैं ना, ये भी एक बड़ा मैटर हो गया है। मतलब ऑफिशियली जुआ खिला रहे हैं कि ये टीम बनाओ वो टीम बनाओ, इसमें पैसे लगाओ उसमें पैसे लगाओ, तो भाई थोड़ा सा ध्यान से, मतलब ये सब आपका हार्ड अर्न मनी है तो उसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से ही किसी के इन्फ्लुएंस में आओ। ऐसा नहीं है कि कोई भी बोल रहा है और आपने आग बंद करके उसको लगा लिया। और एक जिमनी कोई लेता है, मैं देख रहा हूँ मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि एक जिमनी ली किसी ने तो उसमें 20 यूट्यूबर्स चले गए, ठीक है, और देखने वाले को लगेगा भाई क्या दवाए दब गाड़ी लिए जा रहे हैं, क्या दवाए दब गाड़ी लिए जा रहे हैं, मतलब अभी इसने ये ली, अभी मैं किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं लूँगा, लेकिन अभी इसने ये ली, अभी वो ली, अभी चौथी ले ली, पाँचवीं ले ली, भाई सामने वाला क्या है थोड़ा सा डिप्रेशन में आ जाएगा कि भाई इनके पास तो पता नहीं कितना ही पैसा आ रहा है और यही एक काम बचा करने के लिए, इसके सिवाय और कोई काम बचा ही नहीं है जिससे पैसे कमा सकते हैं। तो यंगस्टर्स जो है ना हमारे, वो शायद गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे भाई, जिस हिसाब से आजकल ये जो इन्फ्लुएंसर्स काम कर रहे हैं ना,
तो इतना दिखावा ठीक नहीं भाई, जो रीजनेबल हो सिर्फ उतना ही दिखाया करो। तो भाई शॉपिंग के लिए आए थे, लेकिन अपन क्या कैश वाले बंदे हैं, कार्ड पे मिल रहा है डिस्काउंट, कैश पे कोई डिस्काउंट नहीं, जमाना बदल गया है। क्योंकि होना चाहिए डिस्काउंट कैश के ऊपर, जो हार्ड कैश दे उस पर डिस्काउंट होना चाहिए, लेकिन स्कीम चलती है कार्ड्स के ऊपर। तो भाई कार्ड कैरी करने बहुत दिनों से छोड़ ही रखा है, क्योंकि ऐसा कोई काम होता ही नहीं है। अब घर जा रहा हूँ वापस, एक गॉगल्स पसंद किए हैं, एक दो चीज़ें और हैं, तो भाई आजकल क्या चाहिए रहती है ना, तो इसीलिए घर जा रहा हूँ वापस, कार्ड लेऊंगा फिर वापस आता हूँ मॉल। तो भाई ये वाले गॉगल्स लिए हैं, कैसे लग रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताना भाई कैसे लग रहे हैं। मुझे तो बहुत सारे देखने के बाद यही जमे, हो गई भाई शॉपिंग, कार्ड वार्ड से सब कर कुरा के डिस्काउंट विस्काउंट ले ला के कर दिया फाइनली। और अभी जा रहे हैं घर, घर जाके लंच करेंगे और इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा, अगर व्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं आपको जल्दी किसी अगले व्लॉग में, क्योंकि हमने दो बैग भी लिए हैं, तो टूर तो अभी बनता है, नए बैग को घुमाने भी तो ले जाएंगे ना।